fruitful, worthwhile, constructive, effective, rewarding, valuable, prosperous और successfully well spent. ऐसा है कुछ आज का व्लॉग. सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं मजे में. चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वॉचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल और आज भी होने जा रहा है धमाल. तो अभी फिलहाल हम हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर और हम निकल रहे हैं जयपुर की तरफ. तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं. आज है मेरा बर्थडे और कोलकाता में बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं निकल रहा हूँ जयपुर, क्योंकि जयपुर में एक अलग ही सीन चल रहा है. क्या है पूरा सीन, आइए जानते हैं इस व्लॉग में. कोलकाता से हम भर चुके हैं उड़ान और कर रहे हैं जयपुर के लोग हमारा इंतज़ार. मौसम खुशनुमा और सफ़र निराला हो, आसपास की सीट पर कोई ना हो, हाथ में चाय का प्याला हो. चाय की चुस्कियाँ लेते लेते 2.25 घंटे का ये छोटा सा सफ़र ऐसे ही कट जाने वाला था, लेकिन मन में कई सवाल थे कि न जाने जयपुर में कौन कहाँ क्या सरप्राइज क्या प्लानिंग कर रहा हो. लेकिन जितने भी लोगों ने प्लानिंग की है उन सभी को, खैर अभी नहीं बताऊंगा, आप देखिए ये पूरा व्लॉग. हम उतर चुके हैं धरती धोरारी यानी राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर की सरजमी पर. और जैसे जैसे समय बीत रहा था हमारा उत्साह दोगुना होते चला जा रहा था, क्योंकि आज दुआओं के अलावा सरप्राइजेस का सिलसिला सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के अलग अलग कोनों से आ रहा था. कई बार अपने नसीब अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है जब प्यार करने वालों की संख्या इतनी तादाद में हो. वाकई मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ खुद में खोया हुआ सेल्फ ऑब्जेस्ड हूँ. फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी है जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपने गंतव्य तक पहुँचने की. ये हम आ चुके हैं जयपुर हवाई अड्डे के बाहर. हमारे चहेते और जयपुर के आरके क्लब यूट्यूबर्स ग्रुप ने हमारे लिए किया है कोई सरप्राइज प्लान. घर पहुंचते ही हमें मिल गया एक और सरप्राइज. शशांक, गौरी और अंश यानी प्यारे भांजे भांजियों के साथ प्यारी बहनों और जमाइयों ने भी किया हमारा धमाकेदार स्वागत. ये है गिफ्ट हमारा, केले. आज का दिन हर वक्त हर लम्हा एक नया सरप्राइज लेकर आ रहा था. हाँ, बड़े वाले जमाई बाबू ने भेजे हैं अभी ऑफिस से स्पेशली बर्थडे के लिए ठग्गू के समोसे. ठग लेते हैं. ऑसम. अब हमें मिल चुका है न्योता WTP आने का. एक बहुत ही विचित्र किस्म की कंडीशन होके रखी है, मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है और ये ऊबर भी आ गई. देखते हैं WTP जा रहे हैं वहाँ क्या होता है. लेट्स सी. वैसे अंदेशा नहीं, ये पूरा यकीन था कि आरके क्लब ने तैयारी जोर शोर से की हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा धमाकेदार होगी यानी उम्मीद से चौगुनी, ये हमने नहीं सोचा था. आरके गुलशाद, तरु, समीर और राजेश यानी कि आरके क्लब के तमाम मेंबर्स ने होटल एयरपोर्ट व्यू को आज की पार्टी के लिए निशाना बनाया था. अचानक कपड़े कैसे बदल गए ये पता चलेगा व्लॉग में. तो अभी जो है आरके क्लब वाले और मेरे साथ हमारे जो चंदन और हुकुम ऑन द बीट, पता नहीं इस हीट में हुकुम ऑन द बीट ये बोलना पड़ता है. और देयर इज अ सरप्राइज फॉर मी, वो क्या है ये पता नहीं. हाँ, जहाँ हम खड़े हैं उसका नाम है होटल एयरपोर्ट व्यू. और उसका नाम होटल एयरपोर्ट व्यू क्यों है, हैव अ लुक. दैट एटमॉस्फेयर देख बेटा कितनी घन घोर. हां, दैट एटमॉस्फेयर. अरे जैसा मैंने बताया कि होटल एयरपोर्ट व्यू, मेरे साथ है आरके क्लब के तमाम सदस्यगण और उसमें से कुछ इक्के दुक्के नदारद हैं और आ रहे हैं. दे ऑल आर जॉइनिंग अस, हैव अ लुक. ये है आपका अपना गुलशाद. ये है पेशेंट का भाई राजेश. डॉक्टर साहब, मेरा भाई बहुत बीमार है. ये है वो डॉक्टर, फेक डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट होकर जिसने फिजियोथेरेपिस्ट का काम किया था. और ये वो है जो खा पी के खून देता है. और ये जो है
ये हवा का झोंका है, दिखता जरूर है लेकिन सिर्फ धोखा है। एंड जोक्स अपार्ट, इट्स अ लवली इवनिंग एंड ग्रेट सरप्राइज फॉर मी। जयपुर आने का प्लान 4-5 दिन से, इनफैक्ट 2 तारीख से ही चल रहा था, बट आई वॉज नॉट एट ऑल एबल टू ज्वाइन दिस पिंक सिटी एज सून एज पॉसिबल। आई वॉन्टेड टू, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अब पहुँच गए हैं, अब करते हैं क्या करना है। सिनेमैटिक शॉट लो। सो दिस इज द बेस्टेस्ट थिंग्स आज के लिए, यही बोला जाए। चाय बस्टर की तरफ से आप सभी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार, और तमाम आरके क्लब के जितने भी लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनको भी ढेर सारा प्यार। इस इज्जत अफजाई, इस प्यार के लिए, आपकी तमाम दुआओं के लिए, आपकी खूबसूरत विशेज के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं, वो जो मुझसे जुड़े हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और आपके प्यार के लिए आई एम रियली टच्ड एंड ओवरवेलम्ड, कुछ बोल नहीं पाऊंगा इससे ज़्यादा, बस दिल से ढेर सारा प्यार आप सबको। ठीक, यहाँ से थोड़ा क्लोज आओ, चलो स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू थैंक यू, हैप्पी बर्थडे डियर निल्सन, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं चाय पी रहा हूँ, ये कप मैंने इसलिए हटाया, ये तुम्हारे लिए ही है। आज वो क्या बोलते हैं, अच्छा खासा बहुत तगड़ा वाला ट्रीटमेंट, फेस बिगड़ा हुआ था। सलमान आर के इसको खाने वाला वो आती है, एक मिनट छोटा छोटा पीस काट के दो। भैया अरे एक जन खिलाते हुए तो फोटो ले लेना है लास्ट में, सिर्फ क्या बोलते हैं, थैंक यू। एक छोटा पीस, ये क्रीम है, बीच में से निकालना है। नहीं, वो व्हिप्ड क्रीम है भाई, वो मेल्ट नहीं हुआ है। मम्मा यानी तरु की मम्मी सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नील भैया के लिए बहुत ही सप्रेम भेंट आर के क्लब वालों की तरफ से, आप भी हो शायद। और यहाँ जिद पकड़ ली गई है कि यहीं पे जो भी है उसे धारण करना होगा। ये पीछे जा, वापस इसके ऊपर वो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार, इस स्टेप 1 wake up early gonna rise with the sun, step 2 get some good some food in you, step 3 think grow hard about what you want to be, step 4 everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. ये अभी शायद टेक ऑफ करने के लिए जा रही है इंडिगो की फ्लाइट. हालांकि इस पे किसी तरह का क्लेम ना आ जाए, क्योंकि सरकारी संपत्ति और इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते कैमरे में. बट अब व्यू मिल ही गया है तो हम आपको दिखाएंगे. यही चाहते हो क्या तुम लोग? और ये हवा में मतलब ही दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पे भरोसा होता है. क्या पता हम हुकुम म्यूजिक पर भरोसा करें और वो कॉपीराइट क्लेम मार दें, इसलिए हमने गाने को म्यूट कर दिया. चाय बस्टर यानी कि मैं, आज मेरा जन्मदिन और बर्थडे पे इससे खूबसूरत गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता. औपचारिकता और दुनियादारी तो कॉफ़ी पर निभाई जाती है, रिश्ते तो आज भी चाय पर ही निभाए जाते हैं. आप सभी के नाम. और ये हमारी प्यारी बहन और जमाई बाबू ने दिया है हमें एक प्यारा सा तोहफा. मुंबई से आया हुआ प्यार रिचा की केक. ये है मंगल भाई द्वारा मुंबई से भेजा गया केक. और ये है पाकिस्तान से स्पेशली भेजा गया जेबा की तरफ से प्यारा सा केक. इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ नाम तो यहाँ लिए ही नहीं जा सकते. चाहे वो मेरी बहनें हो, चाहे मेरे जमाई हो, चाहे मेरे भांजे भांजी हो, आर के क्लब के तमाम सदस्यों सभी मेंबर्स को मुंबई से रिचा, मुंबई से ही आपके प्यारे व्लॉगर साहब एमडी यानी मंगल दुबे और पाकिस्तान से जेबा, साथ ही सुधीर यानी हुकुम म्यूज़िक और चंदन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं. इसके अलावा बेनामी और गुप्त रूप से आपकी जो विशेज और आपके सरप्राइजेज, आपके केक्स जो मुझे प्राप्त हुए आपके इस प्यार के लिए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इस जन्मदिन को और भी यादगार दिन बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. तो बस आज का ये व्लॉग मेरे जन्मदिन के लिए ही था. अब लेंगे आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात. टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.